We have already discussed last class regarding types of charging. अब उसके बारे में कुछ आगे चीज बढ़ेंगे. Types of charging में जो हम लोग basically देख चुके थे वो क्या क्या था. There are three types of charging. कोई बॉडी को कंडक्टिंग बॉडी को कोई बॉडी को चार्ज करना है तो उसके लिए different types of charging में क्या क्या methods था आपको तो याद होगा. Types of charging में ठीक है पहला था बाय मेथड ऑफ फ्रिक्शन. मेथड ऑफ फ्रिक्शन ये हम लोग लास्ट क्लास देख चुके हैं. इसमें कोई बॉडी को चार्ज करने के लिए क्या बॉडी को कंडक्टर होना जरूरी था. नहीं कंडक्टर भी हो सकता है इंसुलेटर भी हो सकता है. दो बॉडी को रगड़ते थे तो उसमें चार्ज होता था. तो दी बॉडी need not be a conductor. ठीक है और इसमें क्या खासियत था. need not be conductor यहां लिखते हैं. दूसरा खासियत इसमें यह था कि equal and opposite charges equal and opposite charges are produced दूसरा था by method of conduction. method of conduction इसमें the body must be a conductor, must be a conductor. तभी जाके एक सोर्स चार्ज को दूसरे बॉडी के साथ टच करवाएंगे तो उसमें चार्ज आ जाता था. इसमें इक्वल ऑपोजिट चार्ज नहीं होता था. क्या होता था द सोर्स चार्ज इज पार्टली transferred to the uncharged body or uncharged conductor. इसमें equal and opposite charge नहीं होता था. नहीं और तीसरा वाला क्या था by method of induction. method of induction इसमें क्या होता था बॉडी मस्ट बी ए कंडक्टर. है ना दूसरा क्या था इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर इंड्यूस्ड. इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इंड्यूस्ड. और क्या था कोई बॉडी को एब्सोल्यूट पॉजिटिव चार्ज देना है या नेगेटिव चार्ज देना है तो क्या करना पड़ता था. उसमें उसमें फिर दो तरीके होते थे. कोई बॉडी को पॉजिटिव चार्ज देना है या किसी बॉडी को नेगेटिव चार्ज देना है बाय मेथड ऑफ इंडक्शन. इसमें हम लोग दो पार्ट देखे थे. पहला टाइप क्या था टाइप वन में देखे थे. टाइप वन में देखे थे कि सपोज ये कोई सोर्स बॉडी है जिसमें कुछ चार्ज है इसको लाके कोई दो अनचार्ज बॉडी के पास रखिए तो उसमें क्या हो जाएगा. इसमें नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा इसमें पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा. अब क्या है ये दोनों बॉडी को एक दूसरे से सेपरेट कर लीजिए. सेकेंड स्टेप में क्या था take them away from each other. A and B are earlier in contact. Now they are separated. Now they carry some charges. इसमें कुछ negative charge है इसमें कुछ positive charge है. ठीक है ना ये होता था type 1. Type 2 method में क्या होता था. Type 2 method में होता था bring the source charge here. source charge में जो भी charge है मान लो positive charge है इसको लाके हम किसी एक दूसरे बॉडी के पास रखेंगे. कोई कंडक्टिंग बॉडी के पास रखेंगे ये कोई कंडक्टिंग बॉडी है
अब इस कंडक्टिंग बॉडी को आप देखोगे जैसे रखोगे इसमें क्या होगा, ये इसमें नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, जैसे नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे और इधर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर आपको क्या करना था, ये था स्टेप वन, स्टेप टू में था, इसको लेके यहाँ आप रखिए, ये तो अपनी जगह था ही, कौन सोर्स चार्ज तो अपनी जगह था ही। अब इस हाल में आप क्या करोगे, ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर था और इधर जो आपका पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज को आप ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते थे, ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते थे, तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता था। और थर्ड स्टेप में क्या करते थे, ये था फर्स्ट स्टेप, ये था सेकंड स्टेप, और अभी थर्ड स्टेप में क्या करते थे, ओनली दिस ग्राउंड कनेक्शन इज नाउ कट, ग्राउंड कनेक्शन को खोल देते थे और अभी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहां पर हमारा सोर्स था, तो जिसमें पॉजिटिव चार्ज था, ये था थर्ड स्टेप। और फोर्थ स्टेप में, फोर्थ स्टेप में क्या होता था, ओनली दिस इज लेफ्ट, नथिंग इज इन कनेक्शन विथ एनीथिंग, अब ये ग्राउंड से तो डिस्कनेक्ट हो गया है, अब देखो सोर्स चार्ज भाग गया है, सोर्स चार्ज इज नो मोर इन द फोर्थ स्टेप, ओनली दिस कंडक्टर इज देयर एंड चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट। तो सीक्वेंस भी मैं बताया था, पहले एक सोर्स चार्ज के पास कोई कंडक्टिंग बॉडी को रखिए, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इंड्यूस होंगे, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इंड्यूस हुए तो जो ये जो चार्जेस इंड्यूस होते हैं उनको फ्री चार्ज कहते हैं, अगर इसमें माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ तो इसमें प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा। अब ये जो प्लस क्यू वाला एंड है उसको ग्राउंड के साथ जोड़ने के कारण पॉजिटिव चार्जेस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, कैसे, बाय पुलिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ग्राउंड, ये इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड से खींच के न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, जैसे ही इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से खींच के न्यूट्रलाइज हो गए तब क्या किए, फिर हम नेक्स्ट स्टेप में थर्ड स्टेप में ग्राउंड से डिस्कनेक्ट कर दिए, अभी इसमें नेगेटिव चार्ज रह गया, इनको कहीं दूसरी जगह भागने के लिए कोई रास्ता नहीं है, अब सोर्स को भगा दिए, भगा दिए तो क्या बच गया, ओनली द नेगेटिव चार्ज दैट माइनस क्यू इज लेफ्ट बिहाइंड इन द स्फीयर इन द फोर्थ स्टेप। यही चीज हम लोग पूरा चीज देखे, लास्ट क्लास का पूरा समरी इतना में आ गया। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, आज हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, इसमें किसी को कोई डाउट है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर वन क्या दिया है, इफ टू कंडक्टिंग बॉल्स अट्रैक्ट ईच अदर कैन यू बी श्योर दैट बोथ आर हैविंग चार्जेस, क्या ऐसा हो सकता है, एक्सप्लेन। मैं क्यों ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन को लिख रहा हूं, क्योंकि ये इसके ऊपर पैसेज टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपको ये सब चीज समझना जरूरी है। ठीक है, ये सारा चीज आपको समझना जरूरी है। दो कंडक्टिंग बॉल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऋतजा पूछ रहा था तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बार बार बहुत सारा एग्जामिनेशन में आता है। दो कंडक्टिंग बॉल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या इसका मतलब जरूरी है कि दोनों के पास चार्जेस है, अपोजिट चार्जेस होने से अट्रैक्ट करते हैं, मतलब क्या इसका मतलब हुआ एक के पास पॉजिटिव एक के पास नेगेटिव चार्ज है, कोई जरूरी है, लेट अस थिंक। मतलब ये टू बॉडी, जैसे हम कहेंगे एक मैग्नेट, यस यस यस, देखो कुछ लोग आंसर भी दे रहे हैं, आशुतोष बोल रहा है नो, ऋतजय बोल रहा है नो, कोई मैग्नेट दूसरा मैग्नेट के ऊपर फोर्स डालता है, लेकिन दो बॉडी अगर एक मैग्नेट और दूसरा बॉडी अगर एक दूसरे के ऊपर फोर्स डाल रहे हैं, क्या इसका मतलब जरूरी है कि दूसरा वाला भी मैग्नेट है, नहीं, वो ऑर्डिनरी आयरन भी हो सकता है। एग्जैक्टली दैट वे यहाँ पर हम देखेंगे कि सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक चार्ज बॉल है, सपोज दिस इज ए पॉजिटिवली चार्ज बॉल, अब ये पॉजिटिवली चार्ज बॉल के पास अगर मैं कोई एक अनचार्ज कंडक्टर को लाके रखता हूं, तो अनचार्ज कंडक्टर में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेंगे,
है ना, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेंगे। अब व्हाट इज द टोटल चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द अनचार्ज्ड बॉल, यू से इधर माइनस क्यू हुआ तो इधर प्लस क्यू हुआ, सो इंडक्शन पे टोटल चार्ज क्या हुआ, जीरो, जीरो चार्ज बना है। लेकिन ये पॉजिटिव बॉल के पास नेगेटिव चार्ज होने के कारण इनके पास एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, तो एज दिस बॉल इज बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस, दैट डज नॉट मीन कि इसमें नेट चार्ज नेगेटिव है, नेट चार्ज नेगेटिव नहीं है, नेट चार्ज जीरो है, लेकिन इसके चलते अपोजिट चार्ज इंड्यूस होके इसको खींच रहा है। तो क्या सर इसको रिपेल नहीं करेगा? हाँ रिपेल भी कर रहा है, लेकिन देखो ये चार्जेस इससे दूर पे है, ये चार्जेस इसके पास है, ऑब्वियसली F1 will be more than F2 and the net force on this ball will be in this direction. Why? Because these charges are close to this charge here. पास में तो ज्यादा फोर्स मिलेगा, ये दूर में तो कम फोर्स मिलेगा, तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स आएगा, दैट नेट फोर्स आप कहोगे क्यू नेट कितना है, जीरो, क्यू नेट तो जीरो है बट नेट फोर्स इज नॉट जीरो, मतलब इट इज गेटिंग ए फोर्स। इसका मतलब दो बॉडी अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों के पास चार्ज है ना, हो सकता है कि एक के पास चार्ज है दूसरा न्यूट्रल कंडक्टर था। ऐसा कब होता है, ये सिर्फ इंडक्शन कब होता है, बताते हैं इंडक्शन के लिए कंडक्टर, दी बॉडी मस्ट बी ए कंडक्टर, सो ये कोई कंडक्टिंग बॉडी है, अदरवाइज ऐसा चीज नहीं होगा। तो हम क्या देख रहे हैं, व्हेन ए कंडक्टिंग अनचार्ज बॉडी इज ब्रॉट क्लोज टू ए चार्ज बॉडी, अपोजिट चार्जेस आर इंड्यूस्ड एंड द बॉडी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, तो इफ टू कंडक्टिंग बॉल्स अट्रैक्ट ईच अदर कैन यू बी श्योर दैट बोथ हैविंग चार्जेस, नो, बोथ नीड नॉट हैव चार्जेस, नीड नॉट हैव चार्ज व्हेन ए एन अनचार्ज्ड कंडक्टर, अनचार्ज्ड कंडक्टर व्हेन एन अनचार्ज्ड कंडक्टर इज ब्रॉट क्लोज टू ए चार्ज्ड बॉडी, इट एक्सपीरियंसेस चार्ज बॉडी क्लोज टू ए चार्ज बॉडी द नेट चार्ज इंड्यूस्ड ऑन इट इज जीरो, इंड्यूस्ड ऑन इट इज जीरो बट इट एक्सपीरियंसेस ए experiences a force of attraction, due to opposite charges induced close to source charge। क्या मैं सबको समझा पाया ये चीज, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आया कि नहीं आया, यस नो, यस। हमेशा ना एक बोलने के लिए पैसा लेंगे, ये सर टेस्ट कर रहे हो। अच्छा क्वेश्चन नंबर टू, अंडर विच कंडीशन बोथ द बॉडीज आर सेड टू बी चार्ज्ड, बिट नंबर वन, व्हेन दे अट्रैक्ट ईच अदर, अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या हम कहेंगे दोनों चार्ज है, बी व्हेन दे रिपेल ईच अदर,
ठीक है, कौन सा कंडीशन में हम कहेंगे सी में कहेंगे नॉन ऑफ द केस, कौन सा केस में कहेंगे कि दोनों बॉडी पक्का चार्ज है। देखो कुछ लोग बी लिख रहे हैं, क्योंकि ऑन चार्ज बॉडी रहेगा तो जो फोर्स होगा वो कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स। चार्ज बॉडी रहेंगे तो रिपल्शन तो हो सकता है, दोनों पॉजिटिवली चार्ज होगा तो रिपल्शन होगा, दोनों नेगेटिवली चार्ज होगा तो रिपल्शन होगा। अब एक बॉडी के पास दूसरा रखे रिपल्शन हो रहा है, मतलब यहाँ पर अपोजिट चार्ज इंड्यूस नहीं हुआ है, लाइट चार्ज हुआ है, मतलब रिपल्शन हुआ मतलब दोनों पक्का चार्ज है। तो हम क्या कहेंगे, आंसर हो गया बी। रिमेंबर क्या कहेंगे, रिपल्शन, रिपल्शन याद रखना है इसको, रिपल्शन इज ए श्योर टेस्ट ऑफ चार्जिंग, रिपल्शन इज ए श्योर टेस्ट ऑफ चार्जिंग, ठीक है। रिपल्शन हो रहा है मतलब पक्का दोनों बॉडी चार्ज है, नहीं तो रिपल्शन नहीं होगा। अट्रैक्शन हो सकता है, एक चार्ज है दूसरा चार्ज नहीं है तब भी अट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन रिपल्शन तो कदे नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर थ्री में चलेंगे हम लोग। ऑल थिंग्स आर बीइंग रिकॉर्डेड, डोंट वरी, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स व्हेनेवर यू रिक्वायर। क्वेश्चन नंबर थ्री, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री में सपोज हम ऐसे करेंगे कि हियर इज ए कंडक्टिंग बॉड, ये कंडक्टिंग बॉड है और ये कंडक्टर है, और हुआ यूं है कि यहां पर कोई दो फ्लाप लगे हैं, ये फ्लाप है, समझ रहे हो ना, जस्ट रिंग लगा, ये झूल रहा है ऐसे, इट कैन ऑसिलेट लाइक दिस, तो इट इज ऑसिलेटिंग लाइक दिस। और आप ऐसे कर लो ना, थोड़ा दो कंडक्टिंग वायर से दो फ्लाप झुला दो, ये फ्लाप है झूल रहा है, एक दूसरा फ्लाप है झूल रहा है, देयर बोथ आर सस्पेंडेड बाय थिन कंडक्टिंग वायर, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडीज आर कंडक्टर्स, दीज आर थिन वायर्स, थोड़ा वायर को दिखाने के लिए ये क्वेश्चन तुम लोगों का आता है तो मुझे करना पड़ रहा है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप, तो खैर में ऐसे बनाया, ये दोनों छोटे छोटे स्मॉल मेटल पीसेस ए एंड बी, ये सी एंड डी है ना, तो ये हो गया कोई कंडक्टर, कंडक्टिंग बार, हाँ तो क्या लिखेंगे, इन फिगर शोन ए एंड बी आर टू स्मॉल मेटल लीव्स, दो छोटे छोटे लीफ लगे हैं यहां पर, ठीक है, मेटल लीव्स यहां पर लगे हैं। अब क्या हुआ, ये पॉइंट है पी, कमिंग व्हाट विल हैपन टू एंड योर टू स्मॉल मेटल लीव्स सस्पेंडेड बाय थिन कंडक्टिंग वायर्स, थिन कंडक्टिंग वायर्स ऐसे करके लिखा, ठीक है, थिन कंडक्टिंग वायर्स करके लिखा। नाउ What will happen to distance between A and B if bit number one, a charge the ball is brought close to P a charged ball is touched to
पी, ठीक है, पी पॉइंट को टच कर दिए। दोनों केस में क्या होगा आपको सोच के बताना है। इसको गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट कहते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं, मैं लेकिन उसमें नहीं जा रहा हूं। इलेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है कि थोड़ा सा चार्ज भी रहेगा तो दो ठो गोल्ड मेटल का दो ठो लीफ यहाँ पर झूलते रहता है। चार्ज दे देंगे तो अगर बराबर चार्ज होगा तो रिपल कर जाएंगे, और अगर बराबर चार्ज नहीं होगा और अपोजिट चार्ज होगा तो अट्रैक्ट कर जाएंगे, लाइक दैट। ठीक है, तो बिपिन कुछ बोल रहा है कि डिस्टेंस इंक्रीजेस, चलिए देखते हैं बाकी लोग क्या बोल रहे हैं। पहला केस में वेराइटिंग ए क्यूब कलम चार्ज क्लोज टू दिस पॉइंट, सॉल्यूशन देखिए। बिपिन तो आंसर फटाफट सोच रहा है, ये हो गया कंडक्टर, अब क्या हो गया, इसमें दो लीफ लगे थे, ऐसे ऐसे दो ठो झूल रहे थे, आपने क्या किया टी पॉइंट के पास कोई पॉजिटिव चार्ज लेके आए, और कोई भी चार्ज लेके आए, कोई भी चार्ज लेके आए, तो ऑब्वियसली जो चार्ज लेके आए उसके चलते यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा तो ऑपोजिट एंड में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, ऑपोजिट एंड मतलब यहाँ पर, तो ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। नाउ व्हाट विल फाइंड, देयर बी ए रिपल्शन बिटवीन देम, तो व्हाट विल ऑब्जर्व, यू विल सी एज यू आर ब्रिंगिंग देम क्लोज, ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे क्योंकि रिपल्शन हो रहा है, इसमें पॉजिटिव चार्ज हो गया है और इसमें पॉजिटिव चार्ज हो गया है, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे, बोथ लीव्स, बीट नंबर वन का सॉल्यूशन, बोथ लीव्स एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड देन एंड दस रिपल ईच अदर, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है। क्या ये चीज सबको समझ में आ रहा है, सिंपल सा तो है। दूसरा केस में बोल रहा है कि अच्छा रिपल ईच अदर, ठीक है, बीट नंबर टू में देखेंगे, बीट नंबर टू में क्या है, बीट नंबर टू में लिखा है कि इसको लाके टच करवा दिए, टच करवा दिए तो क्या होगा, इसमें से कुछ चार्ज फ्लो करेगा और हर जगह हो जाएगा, चार्जेस विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बट एवरीवेयर देयर विल बी सम चार्ज। सो व्हेन सोर्स चार्ज इज ब्रॉट टू कॉन्टैक्ट द लीव्स acquire like charges, अब like charge हो जाएगा तो thus they repel each other, इस केस में भी repel करेंगे, हो गया क्या, इस केस में भी repel करेंगे। दोनों ही केस में क्या हो जाएगा, फिगर ऐसे ही हो जाएगा, ये दोनों लीफ एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, बिकॉज व्हेन यू आर ब्रिंगिंग ए चार्ज क्लोज टू दिस, यहाँ पर अपोजिट चार्ज इंड्यूस होगा, माइनस क्यू होगा तो माइनस क्यू का प्लस क्यू इधर होगा, इधर कुछ पॉजिटिव इधर कुछ पॉजिटिव होगा और दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये इधर को ये इधर को, सो द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इंक्रीजिंग। अगर लाके टच करवा दिए तब भी इसमें बराबर चार्ज आएगा और दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। कोई बॉडी चार्ज है कि नहीं जानने के लिए इसको करते हैं, वो इलेक्ट्रोस्कोप में क्या करते हैं, वो जानने के लिए जो बॉडी है वो कौन सा चार्ज है, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, जानने के लिए क्या करते हैं, अब तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी एक पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज टच करवा देते हैं, तो इसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज आ गया, रिपल्शन हुआ। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज को लाके इसके पास रखेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, ऑलरेडी पॉजिटिव था और ज्यादा पॉजिटिव हुआ, ज्यादा रिपल्सन होगा, बढ़ गया, मतलब ये पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव चार्ज को लाके रखेंगे तो यहाँ पर होगा पॉजिटिव, यहाँ पर होगा नेगेटिव, नेट चार्ज यहाँ पर घट जाएगा, ये पास आ गया तो ये नेगेटिव चार्ज है, ऐसे करके चेक करते हैं। दैट एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, क्या रितजय को समझ में आया सर? सर जैसे कि इलेक्ट्रोस्कोप के कंडक्टिंग बार के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो रहा है तो वो लीव्स में कैसे फिर से पॉजिटिव चार्ज हो रहा है? अरे
हम तो पहली क्लास बता रहे हियर द चार्जेस आर अपीयरिंग बाय मेथड ऑफ इंडक्शन। कोई भी कंडक्टर के पास अगर आप पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज होगा और इधर पॉजिटिव चार्ज। अगर कंडक्टिंग बार और लीफ तो कांटेक्ट में अच्छा है। हाँ ये सारे तो कंटैक्ट, लीफ तो सारे कंटैक्ट में है, तो यहाँ पर नाउ इट इज ए सिंगल पीस ऑफ कंडक्टर, तो यहाँ पर नेगेटिव हुआ तो इसका एक्सट्रीम एंड में पॉजिटिव चार्जेस मिलेंगे। ओके सर, यस सर, यस, समझ में आ गया। ठीक है ठीक है, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन देना चाहूंगा देखने के लिए कि आप लोग कैसे करते हो। खैर आप उसको मैं आपके मेटेरियल में दे दूंगा, जो बना रहा हूं उसमें दे दूंगा। आज हम लोग देखेंगे व्हाट इज करंट। ठीक है,